अब आगे की तरफ ये बनकटा चौराहे की कुछ नई दुकानें हैं, इनको भी हम हल्का हल्का रिव्यू देते चलेंगे आप सभी को। यहाँ पे बर्तनों का पूरा अलग अलग कलेक्शन मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और राउ राउ रो बनी जा, नाम बता दी। मथुरा सा कौन है में दुकान है, कौन है है यो। एगो बोर्डो लगवाई कम से कम 100-200 खर्च करके, ठीक बात है। यहाँ बर्तनों का हर एक रेंज आपके आपको मिल जाएगा। और ये चौराहा कोनोरी नाम से बेकारी चौक है, बनकटा का बेकारी चौक के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। और ये तो बिचला चौराहा है नास्ट, जैसे सुनील के दुकान कौन है बिचला है और यही बेकारी है। सब वो ना वो जी सब बेकारी चौक है। अच्छा, वो जी सब बेकारी चौक है, ठीक बा। दोस्तों, इस चौराहे पे आपको हर एक सामान मिल जाएगा, केवल आपको यहाँ पे आने की जरूरत है। और अगर कोई सामान हम अपने वीडियो में कवर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से पूछ करके भी आप कहीं पे जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कौन सा सामान कहाँ पे है। और खरीदारी करने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी साथ में जरूर लाएं, ताकि इस चौराहे पे अधिक से अधिक लोग आएं और चौराहे का भी रौनक बढ़े। ये कुशवाहा मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर है बेकारी चौक पे। झालर है खाली बा, ये बेरी झालर ही है, ठीक है। अब जो है ये भैया आप ही हैं, ये कौन सा है, खुशी ज्वेलर। खुशी ज्वेलर्स के तरफ से बर्तनों का अलग अलग रेंज रखा गया है। आपका जो बजट है, जिस बजट में आप सामान खरीदना चाहते हैं, प्रत्येक आपका कम से कम दाम में कौन सा सामान है, सबसे कम दाम का सामान कोई चम्मच वगैरह होगा। चम्मच कितने का आ जाएगा, 20 का है। और हाई से हाई रेट का सामान कौन सा है, हाई रेट का सामान है 1500-2000। तो 2000 से हाई वाला कौन है, कुकर वगैरह है। कुकर है तो कोई इलेक्ट्रिक सामान है कुकर, मतलब जो पहले इलेक्ट्रिक सामान थोड़ी है, ये इलेक्ट्रिक कुकर भी है रखे हैं, मतलब जनरल कुकर है। इंडक्शन हीटर वगैरह नहीं नहीं है। मिल्टन का बोतल है, मिल्टन का जो ठंडी होता है, ठंडी गर्मी, ठीक है। अब आप लोगों को पहले लिख के देना पड़ेगा कि क्या बोलना है, ठीक है, ताकि वो आसानी से बोल सके, ठीक है। आपको पहले से मालूम हो, जो भी सामान रखे हैं अचानक पूछने पे कई लोग घबरा जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी क्या